हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपको चार प्रकार की वैकेंसियां जारी की गई हैं। आपको बताएंगे ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इस फॉर्म के डिटेल के बारे में। यदि आप सारा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आके रीड कर सकते हैं या आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल सब कुछ आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या कंडीशन बताई गई हैं। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। तो आप लोग को यदि वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप फॉलो करके उस वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप लोग ये भारतीय पशुपालन विभाग की जो वैकेंसी जारी की गई हैं आप लोग ये फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं और अलग अलग यहाँ पर फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगा 3764 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल की गई हैं। यदि आप लोग नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिंक है अप्लाई करने का, ये लिंक है, लिंक ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, ये वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं और कौन कौन सी पोस्टें जारी की गई हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये भारतीय पशुपालन विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। सारा कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन गाइस, इसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट। तो ये वैकेंसी जो अप्लाई होगा आपका 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट है और 21 दिसंबर तक आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब अप्लाई करने के प्रोसीड पे, क्योंकि इस पर मैंने पहले से वीडियो बना चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, देखना होगा तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आना है। इस पेज का भी लिंक गाइस हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पे गाइस आपको ये वैकेंसी अप्लाई करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है कि अपना पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब किस पोस्ट के लिए फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, अब जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपकी जो फी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि हम आपको यहाँ पे दिखाएं, अगर आप पहले पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ₹944 फी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि आप दूसरे पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ₹826 देना पड़ेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन चाहिए। उसी प्रकार हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो है आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन पे पोस्ट जारी की गई है, ₹708 फी पेमेंट करना पड़ेगा। और आपका जो सबसे लास्ट है इसमें आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ₹590 आपको यहाँ पे फी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए फॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। हम आपको किसी एक पर यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि आप लोग कैसे ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 12वीं की क्वालिफिकेशन पे मैं ये फॉर्म को सबमिट करने जा रहा हूँ। 12वीं की क्वालिफिकेशन पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म सबमिट करेंगे वो यहाँ पे ₹708 फी जो है वो पेमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है पहले वो हम आपको फिलअप करके दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे ये समझिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी है वो डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम फिलअप करते हैं, देन उसके बाद आपको बताते हैं कैसे कैसे फिलअप करना पड़ेगा। सो गाइस ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने एक एक करके यहाँ पे सबमिट कर चुका है। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे पोस्ट नेम मैंने बता दिया है क्या क्या आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। और पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम हाई स्कूल के क्वालिफिकेशन में जो भी नाम लिखा रहेगा वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फादर का यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या आप फादर का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखना है, यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी लिखनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको अपना तहसील जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे गाइस आपको अपना पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत जो है वो सेलेक्ट करना है।
उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना फोटो जो है वो अपलोड करनी है। आपकी फोटो की जो साइज यहाँ पे मांगी गई है 100 KB की फोटो की साइज होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, ये आपका 50 KB की साइज यहाँ पे मांगी गई है। आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आप अपना फोटो रखे हैं वहाँ पे जाना है, और उसके बाद आप अपने फोटो को सेलेक्ट करके आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन मिलेगा गाइस, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो है यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन है गाइस, आपको इसको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप टर्म एंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी यहाँ पे पोस्टें हैं और क्या क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म एंड कंडीशन है। आप इसको रीड करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिएगा, जरूर रीड कर लीजिएगा एक बार। एंड गाइस यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक टिक मार्क मिलेगा टर्म एंड कंडीशन का, आपको इस पर आई एग्री कर लेना है और यहाँ नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा, और यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली कन्फर्म योर डिटेल्स। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले आप चेक कर लीजिए अपना सारा डिटेल्स, उसके बाद कृपया आप यहाँ पे कन्फर्म करके सबमिट करिए सारी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई गलती है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके आप इसमें एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। गैस जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपका सबमिट का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हो जाएगी, और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। तो वो मोबाइल नंबर की OTP जो है आपको इस बॉक्स में लिखना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो आपको यहाँ पे रीसेंड OTP पे फिर से क्लिक कर लेना है, तो दोबारा से आपकी जो OTP है वो फिर से आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे गाइस OTP लिखने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे गाइस आपकी जो फी है वो शो होगी और यहाँ पे कितना चार्जेज है वो सारे यहाँ पे जोड़ के आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे शो होगा। तो 728 रुपीस आपको फी पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये है मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये सारी जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसमें दे सकते हैं या आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। आप यदि नेट बैंकिंग के द्वारा फी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको बैंक नेम मिल जाएगा ICICI बैंक, या आप अदर किसी बैंक से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। यदि आप लोग गाइस डेबिट कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और डेबिट कार्ड के द्वारा यदि आप फी पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है, आपको 708 रुपीस फी जो है वो बस पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा करेंगे तो आपको यहाँ पे 717 रुपीस फी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यदि डेबिट कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी लिखी गई है। मोबाइल नंबर मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर OTP जो है वो नहीं आया था, इसलिए मैंने दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री किया है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर लेना है। गाइस ये समझिए कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसीड है वो आप जब फी पेमेंट करेंगे तो आपकी फॉर्म कंप्लीट सेव हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन आप दे के फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और आप फी पेमेंट करेंगे तभी आपकी फॉर्म जो है वो कंप्लीट सबमिट होगी। अगर आप लोग फॉर्म का यहाँ तक ला के छोड़ देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलहाल सबमिट नहीं होगी, आपका अनसबमिटेड ये आपकी फॉर्म जो है वो रहेगी। आपको सारा इन्फॉर्मेशन यही सारी इन्फॉर्मेशन बस आपका लिया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करके फी पेमेंट कर देंगे, आपकी जो फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना फी डिटेल्स जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिनका कार्ड है वो कार्ड का नाम यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार्ड का नंबर कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी की मंथ यहाँ पे लिखनी है और एक्सपायरी की यहाँ पे ईयर लिखनी है, और यहाँ पे कार्ड कोड लिखनी है जो कि CCV कोड कही जाती है, पीछे की तरफ 3 अंक का कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ी है वो पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपको आगे कुछ
कुछ भी प्रोसीड नहीं करना है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलहाल सबमिट हो जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ले ली गई है और इसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे स्टार दिया रहेगा वो मैंडेटरी है, आपको उसको फिल करना ही पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आगे का प्रोसीड होगा। इस वीडियो में बस मैं यहीं तक बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फॉर्म का मैं कंप्लीट फी जो है वो पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि एक नमूने के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कैसे आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे और कैसे पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ के बाद दोस्तों आप फी पेमेंट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड हो जाएगी और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट जो है वो आप सेव करके रख लेनी है और आपको आगे का प्रोसीड कुछ भी नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे गाइज आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा, या आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो में बस इतना ही, कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आगे का वीडियो आप देखना चाहते हैं या चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा कि आगे का प्रोसीड आप कैसे करेंगे। ओके गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।